न्यूट्रल में ब्लैक वायर लगेगी और लाइन मतलब फेस में रेड वायर लगेगी, तो इस तरह से आपको फिटिंग करनी। हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र वेलकम करता हूँ एक बार फिर से टेक एंड ट्रेवल बी में। सोलर से नहीं बल्कि स्टर प्लायर से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको यह पता लगेगा कि आपको घर में स्टर प्लायर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो यह वीडियो मैं बना रहा हूँ राजेश जी के कमेंट पर, उन्होंने मुझसे पूछा था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप स्टर प्लायर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ और इस स्टर प्लायर के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखते रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देखिए कि आपको स्टर प्लायर की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपके यहाँ वोल्टेज ठीक आ रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको स्टर प्लायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ वोल्टेज काफ़ी फ्लैक्चुएट करते हैं, काफ़ी कम वोल्टेज आते हैं या काफ़ी हाई वोल्टेज आते हैं, तो आप स्टर प्लायर लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि इससे जो आपके महंगे ऑपरेटर्स होते हैं LED TV, फ्रिज, AC, तो इनके डैमेज होने के भी चांसेस रहते हैं, तो इसलिए आप स्टर प्लायर ज़रूर लगाइए। कई हमारे व्यूअर्स के कमेंट आए थे तो वो ये पूछ रहे थे कि स्टर प्लायर से बिजली का बिल बढ़ता है नहीं बढ़ता है। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें करंट आपका बढ़ता है, क्योंकि कुछ बिजली जो स्टर प्लायर में ट्रांसफार्मर लगा होता है वह भी कंज्यूम करता है, तो थोड़ा बहुत बिजली कंज्यूम करता है, ज़्यादा बिजली कंज्यूम नहीं करता है। लेकिन इसको देखते हुए इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, तो यह हमारे जितने भी ऑपरेटर्स लगे होते हैं उन सभी को प्रोटेक्ट भी करता है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप स्टर प्लायर लगाइए, बाकी आप देख लीजिए, अगर आपको ठीक लगता है तो आप स्टर प्लायर लगाइए और अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो नहीं लगाइए, तो यह आपका डिसीजन है। तो चलिए, जो मेरे यहाँ स्टर प्लायर लगाया है वो V-Guard का स्टर प्लायर लगाया है। इसका मॉडल नंबर भी मैं आपको बताऊँगा और यह कैसे फंक्शन करता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आप स्टर प्लायर के बारे में। तो फ्रेंड्स, यह है मेरा V-Guard का 5 KVA का स्टर प्लायर। तो इसका मॉडल नंबर है VGMEW500 और इस स्टर प्लायर में यह इनपुट आउटपुट चेक करने का मीटर है और यहाँ पर यह मेंस की MCV है। इस स्टर प्लायर को हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको बाईपास भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आज आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो को कम्प्लीटली देखते रहिए। अब देखिए, इनपुट इसमें आ रहा है 240 के आसपास नियर और आउटपुट अब हम चेक करते हैं इसका, तो यह 220 के आसपास इसका आउटपुट है। मतलब यह स्टेप प्लायर 220 के आसपास वोल्टेज को मेंटेन रखता है और जो कि हमारे ऑपरेटर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो इससे आप AC, फ्रिज, TV सब कुछ चला सकते हैं। ISO सर्टिफाइड कंपनी है V-Guard। अब हम इस स्टेप प्लायर को बाईपास करके देखते हैं। तो इसमें मैं स्टेप प्लायर को ऑफ करता हूं और बाईपास को ऑन करता हूं। तो अब ये बाईपास हो गया, यानी स्टेप प्लायर काम नहीं कर रहा है। जितना ही इनपुट आ रहा है उतना ही ये आउटपुट भी प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब इसका ट्रांसफार्मर पूरा का पूरा स्टेप प्लायर अभी बंद है। तो अब हम आउटपुट और इनपुट चेक करते हैं। इनपुट है 240 और आउटपुट चेक करते हैं, यह भी 240 है। मतलब इसमें स्टेप प्लायर फंक्शन नहीं कर रहा है। और अब हम इसको ऑन करते हैं, अब हम स्टेप प्लायर का बाईपास ऑफ करते हैं। देखिए यहाँ पर ये LED लगी हुई है, अगर बाईपास होगा तो ये हल्का सा ग्लो करती है, शायद इसके अंदर हल्का सा ग्लो कर रही है, दिखाई नहीं पड़ रही, इतना कम ग्लो कर रही है ये। तो अब मैं बाईपास को ऑफ करता हूँ और स्टेप प्लायर को यहाँ से इस MCV से ऑन करता हूँ। तो अब देखिए, स्टेप प्लायर ऑन होने में लगभग 3 सेकंड के आसपास लेता है। तो अब आप देखिए, यहाँ पर हम इनपुट चेक करते हैं स्टेप प्लायर में, जो कि 240 है, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं जो कि 220 है। तो देखिए, यह बहुत ही ज़्यादा यूजफुल स्टेप प्लायर है और इस स्टेप प्लायर को
लिए हुए मुझे 3 साल के आसपास हो गया है, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई है। लास्ट में मैं आपको इसके प्राइस के बारे में भी बताऊंगा। तो अब मैं इसका बैक पैनल आपको दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका बैक पैनल देखते हैं। तो फिटिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो मेंस और न्यूट्रली जो वायर आ रही हैं उसको हमें इनपुट पॉइंट में कनेक्ट करना है, जैसा कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये इसके बैक पैनल में, देखिए यहाँ पर 2 वायर आ रही हैं, रेड एंड ब्लैक कलर की। तो मैंने इनपुट पॉइंट में कनेक्ट किया हुआ है, एल मीन्स फेज और एन मीन्स न्यूट्रल। तो इनपुट पॉइंट को इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। और आउटपुट पॉइंट में मैंने सिर्फ एक ही वायर ली है, बट आप लोग 2 वायर ले सकते हो, रेड एंड ब्लैक। इस तरह से आपको फिटिंग करनी है। मैंने सिर्फ इसमें एक ही वायर लिया है, बट प्रॉपर तरीका है कि 2 वायर इनपुट में आएंगी और 2 वायर आउटपुट में आएंगी। रेड एंड ब्लैक इनपुट में आ रही हैं, तो रेड एंड ब्लैक ही आउटपुट में आएंगी। न्यूट्रल में ब्लैक वायर लगेगी और लाइन मतलब फेस में रेड वायर लगेगी। तो इस तरह से आपको फिटिंग करनी है। तो यह सारा प्रोसेस है स्टेपलर की फिटिंग का। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।